So guys, let's start the chapter lesson 7 of class 10, the state government and formation of state legislature and their functions. So in this chapter, we'll study about the state governments. So let's start. According to the constitution, there is a provision of state legislature in each state of India. In Article 168 of the constitution, it is mentioned that there will be a legislature for every state which will be constituted by governor and a house or two. तो इस आर्टिकल 168 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसमें ये बात लिखी हुई है कि हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड होगी गवर्नर से, गवर्नर होगा और या फिर एक हाउस हो सकता है फिर दो हाउस हो सकते हैं। जैसे विधानसभा तो होगा ही होगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी होगी, किसी किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है, ठीक है। इन ईच स्टेट देयर इज अ हाउस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी बाय द पीपल, यानी कि जो लोग एडल्ट होंगे वो लोग डिसाइड करेंगे, इलेक्ट करेंगे वोट डाल के। सो दिस हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड विधानसभा एंड इन सम स्टेट विच हैव द सेकंड हाउस आल्सो कॉल इट विधान परिषद। तो हिंदी में और इंग्लिश में नाम दिए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। द राइट टू डिसाइड वेदर द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द स्टेट वुड बी यूनिकैमरल और बाइकैमरल इज रिजर्व विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भाई किसी स्टेट में यूनिकैमरल होनी चाहिए, बाइकैमरल यानी एक ही जो इसका यूनिट होनी चाहिए, दो यूनिट होनी चाहिए। दैट विल बी डिसाइडेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो दोनों मिलकर डिसाइड करेगी। तो अभी किन किन राज्यों में इंडियन यूनियन के बाइकैमरल हाउसेस हैं? यूपी में है, जेएनके में है, जेएनके तो ऑफकोर्स हट गया, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, बिहार में है, आंध्रा, तेलंगाना एंड द रेस्ट ऑफ द स्टेट हैव यूनिकैमरल सिस्टम ओनली। द स्टेट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स ऑफ द अबव 7। गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस बोलते हैं, काउंसिल राज्यसभा की तरह इसको अपर हाउस बोलते हैं, राइट। देन फॉर्मेशन कैसे होती है? द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द फर्स्ट और द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे लोकसभा होता है वैसे ही यहाँ पे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब मेंबर्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बारे में दिया गया है। तो स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड है ना, अकॉर्डिंग टू द मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर है उनको फिक्स किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 में लिखी जो हम बोलने जा रहे हैं आगे बात। द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी 500 and 660 रिस्पेक्टिवली। मतलब मैक्सिमम 500 होंगे, 60 मिनिमम होंगे। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इलेक्शन इन सच ए वे दैट ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट एटलीस्ट 75,000 पीपल। तो जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन के आधार पर उसको असेंबलीज को बांटा गया है। तो लफली 75,000 जो नंबर्स हैं उसको एक असेंबली बनाते हैं 75,000 पीपल बना के, और उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ से एक कैंडिडेट चुनता है, ठीक है, और मैक्सिमम सीट किसी भी असेंबली में 500 सकती है और मिनिमम 60 होनी चाहिए, ठीक है। किसी किसी में एक्सेप्शंस भी हैं। अब रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, स्कीम्स ऑफ सीट रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द सीट लेजिस्लेचर हैज बीन फिक्स्ड फॉर एससी एसटी टिल जनवरी 2020, बट नाउ विथ 104 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हमने 10 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी कि 2030 तक हो चुकी है। अब If the governor of the state has an opinion that the Anglo-Indian community hasn't got enough representation in the state, then he can nominate a member from this community. अगर Anglo-Indian community रहती है और उनको लगता है कि इनका representation जरूरी है नहीं, तो उनमें से एक आदमी को हम लोग गवर्नर के थ्रू, गवर्नर चाहे तो उसको नॉमिनेट कर सकता है। देन इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है भैया? अब नॉमिनेट मेम्बर्स फ्रॉम द Anglo-Indian community, all other member of legislature will be elected directly. तो डायरेक्टली चुने जाएंगे। फेडरल फ्रेंचाइज एंड यूनिफाइड इलेक्शन प्रोसेस विद द मेथड ऑफ सिंपल मेजोरिटी आर अडॉप्टेड फॉर दिस। सेम सिंपल मेजोरिटी वाला सिस्टम जो प्रधानमंत्री और एमपीस के चुनाव में था वही यहाँ पे। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड फॉर सिंगल मेंबरशिप ओनली, राइट। एक ही मेंबरशिप होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक से ज़्यादा नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। सो क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है फॉर द मेम्बर ऑफ सॉरी आगे चले गए हम लोग, या दिस वन द फर्स्ट पेज। हाँ, फॉर द मेम्बरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो असेंबली के लिए क्या है? जो लोकसभा के लिए है वही 25 साल यहाँ पर होगी, है ना। और लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है किसी राज्य में तो वहाँ पर राज्यसभा के लिए 30 साल होगी। और सबसे पहली कंडीशन है सिटीजन होना चाहिए यहाँ का। सो 123 आर्टिकल के अकॉर्डिंग
ये एजेस डिसाइड की जा रही है. नाउ स्टेट शुड नॉट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी अंडर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्ड नहीं करना चाहिए, वही सेम कंडीशन है जहाँ पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माउंट एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाई अ कोर्ट. और अगर पागल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए किसी भी कोर्ट के द्वारा, और जो भी संसद चाहे या स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पे जो भी चाहे उसके हिसाब से वो कोई कंडीशन बना सकती है फॉर द पर्सन टू बी ए मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल. सो इन फॉलोइंग कंडीशन द मेम्बरशिप ऑफ लेजिस्लेचर गेट टर्मिनेटेड. तो अब देखिए किस कंडीशंस के अंदर जो है मेंबरशिप हमारी टर्मिनेट हो जाती है. तो दैट इज फर्स्ट वन इज इफ अ पर्सन गेट इलेक्टेड फॉर बोथ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम वन हाउस. ठीक है, अगर एक आदमी दोनों हाउस में सेलेक्ट हो गया लेजिस्लेचर, सपोज करो दो हाउस है किसी स्टेट में, एग्जाम्पल ले लो बिहार का, बिहार में दो हाउस है, वहाँ पर एक आदमी ऊपर भी ऊपर वाले जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें भी सेलेक्ट हो रहा है और नीचे जो अपर हाउस है लोअर हाउस दोनों में सेलेक्ट हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में, तो ही हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम वन हाउस. सिमिलरली नो वन बिकम ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट टुगेदर. तो भाई संसद में और भी हो गया, यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर है और यहाँ पे भी आप मेंबर बन रहे हो, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आपको किसी एक की लेनी पड़ेगी. और सिमिलरली स्टेट में अगर दो असेंबलीज हैं तो दोनों में से आप दोनों के अगर मेंबर बन, एक साथ नहीं बन सकते. दैट इज द थिंग. सो सेकेंड पॉइंट इज एनी मेंबर रिमेन एब्सेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस फॉर 60 डेज कंटिन्यूअसली फ्रॉम द रेस्पेक्टिव हाउस. तो अगर 60 दिन तक संसद से भी हम नहीं आते बिना बताए तो हमारी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है. सिमिलरली यहाँ पे भी यही कंडीशन है, इफ़ ही हैज लॉस्ट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर द कंसर्न हाउस आफ्टर गेटिंग द मेंबरशिप और लेटर क्रिएट्स एनी स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी. मतलब क्या है, इफ़ ही हैज लॉस्ट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर कंसर्न हाउस आफ्टर गेटिंग द मेंबरशिप. अब मेंबरशिप के बाद उसने वहाँ की जो मेंबरशिप है वो लूज कर दी या कुछ इस तरह का एलिजिबिलिटी वाला काम कर दिया तो उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी. लेकिन टेन्योर क्या होता है, टेन्योर होता है 5 साल का असेंबली के लिए और प्रीमैच्योरली डिजर्व कर सकता है गवर्नर, बट आफ्टर प्रमोल्गेशन इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द लॉ. तो अगर इमरजेंसी लगी भी है और इलेक्शन करा नहीं सकते उस सिचुएशन में तो इसमें इसके जो कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाएंगे और 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाए. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. देखो ऑफिस बियरर मतलब देयर आर टू मेन ऑफिस बियरर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिमिलर टू लोकसभा, जैसे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर. अब देखो बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. दोनों को हमने आपस में ही इन्होंने इलेक्ट कर लेना है एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट फ्रॉम देम फ्री फ्रॉम अमंग देम. सो दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू. नाउ द टेन्योर इज सिमिलर टू टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव, तो 5-5 साल का टेन्योर होगा. नाउ स्पीकर कैन सबमिट इज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर एंड वाइस वर्सा, बोथ ऑफ देम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कंसर्न पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोजल एक्सेप्ट विद मेजोरिटी ऑफ MLA. अब क्या होता है, भाई दोनों को हटा भी सकते हैं. ठीक है, तो इन हटाने के लिए उनको पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है. ठीक है, अब पावर और फंक्शन की बात कर लेते हैं. देखो पावर और फंक्शन में क्या होगा, ही प्रिसाइड ओवर सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर है ना, मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द हाउस इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पीकर. तो पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और प्रिसाइड करना है चेयरपर्सन एज अ चेयरपर्सन स्पीकर को. एंड ही होल्ड एवरी राइट टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर दिस पर्पस. ओनली बाई हिज कमांड एनी मेंबर ऑफ द हाउस कैन गिव अ स्पीच इन द हाउस. सो वो जैसे बोलेगा उस हिसाब से हमको बोलना पड़ेगा, वही परमिशन देगा सब चीज़ की. सो ही कैन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द नॉन पार्लियामेंट्री और रूड वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस. अब कोई आके दंगा फसाद करता है, गाली गलौज करता है और कुछ गलत तरह से बिहेव करता है तो उसको बाहर उठा के फेंकवा सकता है, उसको हटा सकता है, उसको बाहर निकाल सकता है. मतलब ही इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास, जस्ट लाइक दैट ही हैज़ द पावर. सो ही कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द हाउस इन द एडवाइस ऑफ लीडर ऑफ हाउस. तो जैसे PM होता है, यहाँ पे CM है लीडर ऑफ हाउस. तो CM होगा तो CM से पूछ के किस तरह से हमें सदन को चलाना है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ही एक्सेप्ट और डज नॉट एक्सेप्ट द क्वेश्चंस व्हेन दे आर एनोमलस, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर सकता है और नॉट भी एक्सेप्ट करे क्वेश्चंस को अगर वो कुछ गड़बड़ हुए तो. ही मेक्स द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आफ्टर वोटिंग. सो वोट वगैरह होते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट भी पब्लिश करता है. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग
in the House, but if there is a situation of equal votes in pros and cons on the issue, he uses the casting vote. तो अब कोई मुद्दा चल रहा है, उस पर वोटिंग पड़ रही है कि साहब ये वाला बिल लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, तो नॉर्मल सिचुएशंस में वो वोट नहीं डालेगा, वो वोट जब डालेगा जब मैच टाई हो जाए, ठीक है। सो देन नेक्स्ट पॉइंट इज मनी बिल है कि नहीं है, सिमिलर टू लोकसभा, इधर भी ये स्पीकर डिसाइड करेगा। एक ऑफ डिसीजन ऑन द पिटीशन ऑफ डिफेक्शन, तो डिफेक्शन की जो पिटीशन हैं उसमें डिसीजन स्पीकर का होता है, और स्पीकर नहीं होगा तो डिप्यूटी स्पीकर कैरी करेगा फंक्शंस को, राइट। देन फॉर्मेशन ऑफ LC लेजिस्लेटिव काउंसिल, नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली कीप द राइट ऑफ मेकिंग रिकमेंडेशन टू पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन टर्मिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि उसके पास अधिकार है कि वो चाहे तो रिकमेंडेशन कर सकती पार्लियामेंट को फॉर क्रिएशन और टर्मिनेशन ऑफ LC. According to 169 article, if LA legislative assembly by the majority of total member and equal majority of present participating member passes the motion of this intent, then the parliament will make the legislation for creating or termination of LC in that state. तो स्टेट से शुरुआत होगी LC बनानी है, तो यहाँ के members मिलकर majority का rule भी follow करें और टू थर्ड वाला rule भी, दोनों rule लगेंगे यहाँ पे, और दोनों rule लग के अगर वो clear हो जाता है मामला, then they can create this LC, ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉ बना देगा, एक मोशन बना देगा उस तरह का, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं भाई, ये देखो LC के मेंबर कॉल बोलते हैं, LC को बोलते हैं सेकेंड हाउस या अपर हाउस, देर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द नंबर ऑफ MLC वुड नॉट एक्सीड द 1/3 मेंबर ऑफ MLA इन दैट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक रूल है कि जैसे 90 है MLA, तो वहाँ पे 30 से ज़्यादा MLC नहीं हो सकते उस स्टेट में। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो सैड दैट दिस मेंबरशिप शैल नॉट रिमेन लेस देन 40, और ये भी बोला गया है कि 30 से, मतलब मैंने आपको 30 का एग्जांपल दिया, लेकिन MLC की जो मिनिमम मेंबरशिप है दैट शुड नॉट लेस देन 40। JNK को बाहर पहले जब उसका था तो उसको एक्सेप्शन बोला था उसमें, नाउ इलेक्टेशन एंड नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर 5/6 of the LC are elected and the remaining 1/6 are nominated. These members of the council are elected indirectly and their elections are held according to the single transferable vote system of proportional representation method. Following electoral colleges elect the member of the LC. तो क्या मतलब है, अब इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर कैसे हो रहे हैं, देखो 5/6 यानी कि 5/5 लाइक 5 or 6 पार्ट जो है LC के वो तो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, इलेक्ट होके आ रहे हैं, एंड देन द रिमेनिंग 1/6 जो मेंबर होते हैं दे आर नॉमिनेटेड। अब दीज मेंबर आर द काउंसिल आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड देयर इलेक्शन आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। तो ये वाले जो है ना इलेक्शन, उनकी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है, इनमें हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं, और जो इसके इलेक्शन होंगे वो इस मेथड से होंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रेजेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैथड। ना फॉलोइंग इलेक्टोरल कॉलेजेस इलेक्ट द मेंबर ऑफ LC, फॉलोइंग यानी अब देखो कौन कौन सी जो लोग हैं, कौन कौन से मेंबर्स हैं जो इसमें वोट डाल सकते हैं LC के चुनाव में। अब इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ लोकल बॉडीज, अब देखो नियरेस्ट एज गुड एज पॉसिबल 1/3 ऑफ ऑल द मेंबर इज इलेक्टेड बाई म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो जो हमारे शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है या अदर लोकल बॉडी से पंचायत वगैरह है ना, वो सब जो है इसमें वोट डालती है एज डिफाइंड बाई पार्लियामेंट एंड द लॉ। नाउ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मतलब क्या है, लगभग एक तिहाई जो लोग हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली वाले उसमें मेम्बरशिप में उसमें वोट डालेंगे और उनमें से चुने जाएंगे, ठीक है। The 1/3 of the member as good as possible number elected by the member of LA from amongst the individual who are not the member of LA. तो जो लोग LA के member नहीं हैं और जो लोग उनमें से जो total membership of LC है उसमें से एक तिहाई जो है लगभग वो लोग चुनेंगे जो LA में बैठे हुए हैं, ठीक है। Now electoral college of graduate group, ग्रेजुएट का भी एक electoral college है इसमें। So those person who live in the state council and has passed the graduate level exam, जो लोग सिमिलर ने ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम पास किया है और 3 साल उसके बाद निकाल दिए, तो इस सिलेक्टेड कॉलेज इलेक्ट द नियरेस्ट
तो 1/12 पार्ट ऑफ टोटल मेंबर जो थे एलसी के यहाँ से चुनते हैं, फिर टीचर्स चुनते हैं हु हैव बीन टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल और इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द स्टेट फॉर 3 ईयर्स। द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स नियरेस्ट 1/12 पार्ट ऑफ द टोटल मेंबर, ठीक है। तो 1/12 जो पार्ट हैं और वो जो है वो सेकेंडरी के टीचर चुनते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट वाले जो होते हैं वो चुनते टीचर्स, तो बाकी जो होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं, 1/6 मेंबर नॉमिनेट बाय गवर्नर फ्रॉम अमंग दोज पीपल हु पजेस स्पेशल इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर साइंस सोशल सर्विस एंड आर्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर द सेम एज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सेम है, बस एक डिफरेंस है वहाँ पे 30 ईयर्स हो गया, ठीक है, वहाँ 25 ईयर्स था। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबरशिप भी रजिस्टर एज वोटर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एज ए वोटर भी रजिस्टर होने चाहिए जिस कंस्टिट्यूएंसी में है वो। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज हेल्ड बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैथड। ऑल अदर 3 इलेक्टोरल कॉलेजेस एक्सेप्ट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर सेटअप बाय द लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या होता है, जो वो लोग वोट डाल रहे हैं, तो इन यहाँ पे जो वोट है लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा जो जो वोट डाल रहे हैं वो सेटअप होते हैं जिस तरह से पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। टेन्योर क्या होता है भाई, 6 साल का टेन्योर होता है, वही राज्यसभा वाला सिस्टम परमानेंट हाउस है, 6 साल का टेन्योर होता है मेंबर्स का। लेकिन वही क्या है, जो मेंबर हैं हर साल हर दूसरे साल में सीट वेकेट कर देते हैं ऑफिस बियरर। सो द लेजिस्लेटिव काउंसिल इटसेल्फ इलेक्ट चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन फ्रॉम चेयरमैन, पहले राज्यसभा में उसमें राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है वो तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, बट गवर्नर का कोई इस तरह का कोई पद है नहीं गवर्नर के नीचे। सो दैट इज़ वाई दे इलेक्ट देमसेल्फ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन टू द काउंसिल होल्ड द पावर टू रिमूव फ्रॉम द रेस्पेक्टिव, तो एलसी चाहे तो उनको वापस हटा भी सकती है। देन द पावर एंड फंक्शन ऑफ एलसी, तो एक बार अभी यहाँ रखते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको।